अब आप खरीद सकते हैं शिव्स म्यूजिक फ्लूट अमेजन पर, वो भी किफ़ायती दाम में। इसके साथ आपको मिलेगा एक कैरी बैग, एक बांसुरी और लिखा हुआ मैनुअल। तो अब हम देख लेते हैं कि आपने लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 5 तक क्या सीखा, और उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं मोटा मोटा, ताकि आपके माइंड में रहे। तो लेसन नंबर 1 में मैंने बताया था आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कि ब्रीदिंग किस तरीके से करनी है, बांसुरी पर फू कैसे मारनी है, और कौन कौन सी आपको प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट लेसन में। तो इसका जो समरी है वो ये देखिए कि आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। अगर मान लीजिए कोई 30 सेकंड तक जा रहा है, कोई 40 सेकंड तक जा रहा है, तो जाने दीजिए। आपको सिर्फ अपना लेवल पर फोकस करना है कि आप पहले दिन क्या थे और आज क्या है। अगर आप में इंप्रूवमेंट नहीं आया है तो आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इंप्रूवमेंट है तो उसको जारी रखिए। तो इस तरीके से आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे जो फर्स्ट डे था उसमें मैंने आपको सारे होल्स ओपन करके बताया था, और अब आप, क्योंकि अब आपका फिंगर्स का मूवमेंट सही हो गया होगा, तो अब आप सारे होल्स को क्लोज करके भी एक्सरसाइज कीजिए। जैसे सारे होल्स ओपन, फिर एक क्लोज, फिर दो क्लोज करके फूंक मारिए, लंबा खींचिए, तीन होल क्लोज करके, चार करके, पांच करके, छह करके। तो इससे आपकी और एक्सरसाइज होगी। से तो एक बार देख लेते हैं, सारे होल्स ओपन। तो इस तरीके से आपको जो लास्ट मोमेंट आएगा, यानी कि वहां जहां पर आपकी सांस खत्म होने लगेगी, तो वहां पर आपको जोर देना है, तभी इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप पहले जोर देंगे तो कोई इसका मतलब नहीं। जब लास्ट में आके आएंगे तो वहां पर आपको स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है, फिर आपको इंप्रूवमेंट होगा। अब लेसन नंबर 2 में हमने देखा था फिंगर्स का मूवमेंट, और इसके लिए मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज बताई थी फ्रूट पर कैसे करनी है। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज मुझे याद नहीं है कि कौन कौन से नंबर की कौन कौन सी एक्सरसाइज थी, लेकिन जो टारगेट है वो देखिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1 0 1 0 1 ये करके, फिर 1 2 1 2, एक बार सुन लेते हैं। तो ये इस तरीके की कुछ एक्सरसाइज थी। अब इसमें भी आपको जो पहली एक्सरसाइज है यानी कि ब्रीदिंग वाली है, उसको भी लंबा खींचना है, मतलब कि एक सांस में करने की कोशिश कीजिए जितना हो पा रहा है। फिर इसके बाद कुछ एक्सरसाइज थी। ठीक है, अब डिटेल में मैंने आपको पहले बता चुका हूं, यहां पे सिर्फ आपको रिवाइज कर रहा हूं। इसके बाद फिर कुछ ऑड इवन की थी, जिसमें ऑड में आपको 0 0 तो आपको लेना है दोनों में, लेकिन ऑड जब आप करेंगे तो 1 3 5, फिर 5 3 1, फिर ऐसे ही इवन में 0 आपको लेना ही है, फिर 0 2 4 6, यानी कि आपको दो उंगली एक साथ रखनी है, दो नोट्स एक साथ दबाने हैं, है ना। तो ये हमारा था टारगेट लेसन नंबर 2 में। अब लेसन नंबर 3 में हमारा टारगेट था क्या, उसमें था कि हमको साउंड पर कंट्रोल करना है, ऑक्टिव पर। कभी कभी साउंड हाई जाता है, कभी कभी साउंड लो जाता है, तो इसमें हमने 2 साउंड्स पर कंट्रोल किया था, उसकी कुछ एक्सरसाइज मैंने बताई थी आपको। तो ये जो भी स्केल की आपकी फ्लूट है उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। आने वाले अलंकार और राग के लिए आप बेस फ्लूट ले सकते हैं, लेकिन ये हम किसी पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो 2 साउंड्स की हमने प्रैक्टिस की थी। जो इसका टारगेट है वो ये है कि आपको कमांड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अनवांटेड आप मीडियम ऑक्टेव में प्ले कर रहे हैं और अनवांटेडली आप हाई ऑक्टेव का बजा रहे हैं या फिर लो ऑक्टेव का बजा रहे हैं। जैसे देखिए, ये है लो ऑक्टेव का पा, अब मैं इसका साउंड निकालूंगा, तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए आपका। ये प्रॉपर साउंड आ रहा है। अब मैं चाहूं कि मीडियम ऑक्टेव का पा निकालूं, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने फिंगर्स जो है वो चेंज नहीं किए, फिंगर्स की पोजीशन सेम रही, तो बस फर्क कहां से आया, इंटेंसिटी से आया। वो आपको ऊपर नीचे करके देखना है, ज्यादा कम करके देखना है, इंटेंसिटी है वो आपको अब तक आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। जिनको नहीं आया तो ये फिर से एक्सरसाइज कीजिए और करते रहिए। जैसे फिर से देखते हैं, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें कुछ और भी एक्सरसाइज मैंने दी थी, तो वो भी आपको कंटिन्यू करना है। फिर लेसन नंबर 4 में हमने कॉन्सेप्ट सीखा, जो म्यूजिक थ्योरी होती है
कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक कि इसमें मेजर स्केल क्या होती है, माइनर स्केल क्या होती है, 12 तरीके से हम कहीं से भी सरगम स्टार्ट कर सकते हैं, उसका मैंने आपको पीडीएफ बताया था कि सी नोट को भी हम सा मान सकते हैं, सी शार्प को भी सा मान सकते हैं, ए नोट को भी सा मान सकते हैं, 12 में से किसी को भी सा मान सकते हैं हम, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है सा के अकॉर्डिंग रे कोमल, रे शुद्ध, ग कोमल, ग शुद्ध, फिर म शुद्ध, म तीव्र, प, ध कोमल, ध शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको ट्रांसपोज का भी कॉन्सेप्ट बताया था। ट्रांसपोज मतलब होता है कि मान लीजिए ये मेरा सी नोट है और इसको मैंने सा माना, तो अब मुझे माइनस वन करना है, माइनस वन प्लस वन वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, माइनस मतलब पीछे की साइड, प्लस मतलब आगे की साइड, तो माइनस वन करके मैंने सा को इधर ले जाऊंगा, तो सी से पहले आएगा अपना बी नोट, ठीक है, बी नेचुरल, तो बी को मैंने सा मान लिया। अगर सी से मुझे प्लस वन करना होता तो सी के बाद आता है सी शार्प, तो सी शार्प हमारा सा हो जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए, क्योंकि एक बार मैं आपको बता चुका हूं, आप भी होमवर्क किए हैं अगर लिखे हैं पीडीएफ को अपने हाथों से, तो आपके माइंड में वो चीजें रहेंगी, बस आपको रिवाइज करना है। आप रिवाइज नहीं करेंगे तो भूलते जाएंगे जो हमने पीछे सीखा है। तो इसमें हमने और क्या क्या सीखा था, मेजर स्केल, माइनर स्केल, कि मेजर स्केल में सभी स्वर शुद्ध होते हैं और माइनर में ग, ध, नी, ये तीन कोमल प्रयोग होते हैं, और इसके अलावा म का तीव्र होता है, म शुद्ध होता है, इसके अलावा म का कोमल नहीं होता, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक बार मैं सीक्वेंस बता देता हूं आपको, सा, रे कोमल, रे शुद्ध, ग कोमल, ग शुद्ध, म तीव्र, प, ध कोमल, ध शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध, ये हमारे 12 स्वर हुए। इसके बाद सा हाई ऑक्टिव का शुरू हो जाएगा, तो वहां से अपनी नई ऑक्टिव शुरू हो जाएगी। ऑक्टिव को हिंदी में सप्तक भी बोलते हैं ना। तो ये हमने कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक में सीखा था, मेजर स्केल, माइनर स्केल, और मैंने आपको कुछ बना केशू पर भी दिखाया था, चार्ट बना के उसको खिसका के, तो वो ट्रांसपोज हो गया। फिर लेसन नंबर 5 में हमने सरगम बजाना सीखी, सरगम किस पर, बांसुरी पर। तो उसमें क्या करना है आपको, उसका जो मैंने 14 लेसन है उसमें 14 वीडियोस हैं, तो आपको वीडियोस की क्वांटिटी पर नहीं जाना है, मैंने आपको एक्चुअली डिटेल में समझाया है, जो लोग गलतियां करते हैं वो बताया है। अब इसका जो आउटकम है वो ये है कि आपसे सिर्फ सरगम बजनी चाहिए, आपकी जो भी फ्लूट है, जैसे मान लीजिए ये फ्लूट है तो इस पर सरगम बजाइए, अब एक सांस में कंटिन्यूस फ्लो, ये हुआ मीडियम ऑक्टिव। अब मैंने आपको बताया था हाई ऑक्टिव की एक्सरसाइज, लो ऑक्टिव की एक्सरसाइज, फिर अब लो ऑक्टिव में एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, फिर मीडियम में, अब हाई ऑक्टिव में, और फिर आपको सारा कंबाइंड करना है, यानी कि लो ऑक्टिव से होते हुए मीडियम ऑक्टिव से गुजरते हुए हाई ऑक्टिव तक आपको ले जाना है, फिर वापस भी आना है, एक बार आप बाहर चले गए फिर आपको वापस भी आना है, ताकि आपका जो ओवरलैपिंग है वो हो जाए। फिर से देखिए पूरा अपन एक बार लेते हैं, तो ये हमने सारी ऑक्टेव कवर कर ली जो बांसुरी पर हो सकती है। और इसके अलावा मैंने आपको सभी 12 स्वर भी बताए थे कि किस तरीके से बजाने होते हैं, कि ये हमारा फर्स्ट नोट हो गया, अगर मतलब एक से लेकर काउंटिंग में 12 तक करूं तो एक नोट हम यहाँ पर इस तरीके से बजाते हैं, फिर दूसरा इस तरीके से, यहाँ से हाफ ओपन करते हैं, ऑलमोस्ट 20-30% रहता है वो, 30-40 जितना भी हो सकता है। फिर ये देखिए ये सेकंड नोट, थर्ड नोट, फिर ये फोर्थ नोट, फिफ्थ नोट, और फिर एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था कि फोर्थ होल का हाफ नहीं होता है, क्योंकि उनका जो गैप है वो पास पास रहते हैं, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो स्टैंडर्ड फ्लूट होती है उसमें जो फोर्थ एंड फिफ्थ होल है वो पास में क्यों होते हैं। अब चूंकि ये पास में होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं, तो लोगों को ये डाउट रहता है कि मेरी बांसुरी खराब आ गई है, इसमें होल्स का जो गैप है वो अनइवन है, तो इसका ये कॉन्सेप्ट है ना। फिर से देखिए फर्स्ट नोट सारे क्लोज, फिर सेकंड नोट पर ये ओपन, थर्ड पर ये पूरा ओपन, फोर्थ ये अपना हो गया, फोर्थ पर ये आएगा, फिर 5, 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 नोट्स हमने कंप्लीट कर ली। फिर से देखिए उल्टा चलते हैं, 12, 11, 10, 9, 8, फिर आएगा अपना 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये टॉपिक्स कवर की हैं, तो इसकी कमांड आपको होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे चलेंगे, उसमें मैं आपको ताल इंट्रोड्यूस कराऊंगा, रिदम,
तो रिदम जो है, रिदम वाला पार्ट सबके लिए कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। इसका मतलब ये, इसका रीजन ये है क्योंकि जो बीट्स होती हैं ये अचानक से नहीं आएंगी। जैसे मैं आपको आज लेसन दे दिया और कल आपको आ जाए, ऐसा नहीं होता है। इसकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, मतलब कि स्टेडी प्रोसेस होती है। बहुत टाइम लगता है इसमें, 1-2 साल तक आपको बीट समझने में, बीट को बीट के साथ प्ले करने में, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसके अलावा जिनको थोड़ी पहले से नॉलेज है ताल की, अगर वो प्रैक्टिस करते आए हैं बहुत पहले से, तो वो लोग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, लेसन आपको मिलेंगे, आप इसको प्रैक्टिस जारी रखिए। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं। आपको फ्लूट पर कमांड मेन है, ठीक है। एक बार आपकी फ्लूट पर कमांड होगी फिर आप धीरे धीरे बीट्स भी पकड़ लेंगे। तो ये सब हमने सीखा रिविजन में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।